स्टूडेंट्स, क्लास में आपके इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन और कैन नॉट। यूज ऑफ कैन और कैन नॉट। कैन का मतलब होता है सकना, कुछ भी कर सकना, ये कर सकता है, वो कर सकता है। और कैन नॉट मतलब जिसे मना ही हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, ऐसे। तो कैन का मतलब सकना, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकना। तो इसके पहले रूल को समझो। रूल फर्स्ट है, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस। कैन किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सप्रेस पावर, शक्ति को दर्शाना, कुछ कर सकने की, कुछ करने की शक्ति दिखाना। एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों का मतलब एक ही है। एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, योग्यता और क्षमता दर्शाना। ऑफ द सब्जेक्ट, किसकी? सब्जेक्ट की, जो करने वाला है उसको क्या करता है? एक्सप्रेस की शक्ति की एक्सप्रेस करता है, वो दिखाता है। एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता और क्षमता दिखाता है। कैन इज आल्सो यूज्ड टू गिव परमिशन। कैन का उपयोग और किसके लिए भी होता है? आदे गिव परमिशन, आज्ञा देने के लिए, आप ये कर सकते हो, ये किया जा सकता है। तो परमिशन देने के लिए भी काम में कैन का यूज किया जा सकता है। तो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर। कैन का उपयोग शक्ति को दर्शाने, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट, योग्यता और क्षमता किसकी? कर्ता, करने वाले की शक्ति, योग्यता और क्षमता दर्शाने में उपयोग किया जाता है। कैन इज आल्सो यूज्ड टू गिव परमिशन, और कैन का उपयोग आज्ञा देने के लिए भी किया जाता है। रूल सेकेंड, नियम दूसरा है कैन नॉट का। कैन नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कैन नॉट का उपयोग होता है किसी भी काम की मनाही, मनाही का मनाही दर्शाता है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैन नॉट का उपयोग एक्सप्रेस मतलब दर्शाना, किसका? मनाही, किसी चीज की मनाही, कुछ भी करने के लिए, डूइंग समथिंग, वो कुछ भी करने के लिए उसकी मनाही होना, मैं ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते, इस प्रकार। एग्जाम्पल से समझना, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। तो इसमें क्या है, क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या है उसमें, मुझमें क्या है? इंग्लिश पढ़ने की एबिलिटी और कैपेसिटी है, योग्यता और क्षमता है, पावर भी इसमें दिख जाती है भाई, वो शक्ति है मेरे पास कि मैं इंग्लिश को पढ़ सकता हूं। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। तो कैन का यूज हो गया। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, मतलब इसमें परमिशन भी हो सकती है, हाँ तुम तैर सकते हो, तो परमिशन भी हो रही है। और परमिशन किस हिसाब से हो रही है? क्योंकि अगले वाले में क्या है, एबिलिटी और कैपेसिटी है तैरने की, इसलिए वो परमिशन भी दे रहा है, यू कैन स्विम। अब कैन नॉट का देखना, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। तो क्या है इसमें, क्योंकि इसमें क्या चीज नहीं है, एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोहिबिशन निषेध कर रहा है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। तो इसमें क्या अनएबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसमें क्षमता नहीं है, योग्यता है इसको लिखने की, तो कैन नॉट का यूज होता है। फिर दे कैन नॉट स्विम, वे तैर नहीं सकते, क्या है उनके पास, क्या है, एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है तैरने की, तो दे कैन नॉट स्विम। तो इस प्रकार यूज ऑफ कैन और कैन नॉट का यूज होता है। रूल फर्स्ट था कैन का यूज, और रूल सेकंड है कैन नॉट का यूज। ठीक है, हमारा वीडियो देखना, एक एक्सरसाइज भी आपको करनी है, एक्सरसाइज को ध्यान से देखना। उसमें कैन, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैन और कैन नॉट, 1 to 8 तक है। इसमें जिसमें कैन आता है वो कैन लिखना है, कैन नॉट यूज है तो वो लिखना है। द ट्रूथ मेक अस फ्री, द ट्रूथ मेक अस फ्री, इसका हिंदी होता है सत्य या सच हमें आजाद स्वतंत्र बनाता है, बना सकता है। तो सकना मतलब क्या, इसमें एक्सप्रेस कर रहा है, ये एबिलिटी दे रहा है। तो द ट्रूथ कैन मेक अस फ्री, ऐसे इसको करना है। आई एम बिजी सो आई प्ले विथ यू, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं लेकिन ये कर नहीं सकता, तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। तो आई एम बिजी सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं व्यस्त हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ठीक है, इस प्रकार ये करना है। तो
तो फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपको करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है और लिखना है, इसको पोज कर लेना। और पोज करने के बाद ये जो एट टाइप का सेंटेंस है इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन और कैन नॉट, कैन और कैन नॉट का यूज करना है। तो ये छोटा सा लेसन है और चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये भी आप बहुत आसान है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, कैन का यूज है, अनिल कैन स्पीक इंग्लिश, शरद कैन ड्राइव ए कार, अनीता कैन स्पीक हिंदी, शरद कैन यूज है मोबाइल फोन, अनिल, ये तो जनरली है, ये तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, स्पेशली आपको ये करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन और कैन नॉट, फर्स्ट से लेकर एट तक पॉज करना और उसके बाद इसको नोटबुक में करना है। कैन और कैन नॉट दोनों का यूज होगा, सेंटेंस को पढ़ना है, जिस हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग होगा उस हिसाब से कैन और कैन नॉट का यूज होगा। ठीक है, बस इतने आपको काम करना, छोटा सा लेसन है, छोटी सी चीज है, इसको समझना है और इसको करना है। थैंक यू।